बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम इंतहा आम खबर आपके साथ शेयर करें कि ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। ईद की छुट्टियां कितनी होंगी, सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी गई है क्योंकि सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आप घर बैठे ऐसी ही एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अथेंटिक न्यूज़ जो है मिलती रहें। और तफसीलात आपके साथ शेयर करें कि ईद उल फितर की मुमकिन तारीख सामने आने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है और ईद की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है। ईद उल फितर की जो मुमकिन तारीख है वो 3 मई 2022 है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 2 मई 3 मई 4 मई और 5 मई को पाकिस्तान में आम तातीलात होंगी ईद उल फितर की, जिसमें जो है आपके तमाम इदारे जो हैं इन 4 दिनों बंद रहेंगे। इस हवाले से जो प्रपोज़ल है वो तैयार करके वजारत दाखला को अरसाल कर दिया गया है। आपके जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के वो 2 मई 3 मई 4 मई और 5 मई को बंद रहेंगे ईद उल फितर की तातीलात के हवाले से। सिर्फ जो है वो साइन होने बाकी हैं, जैसे ही साइन होंगे या जो कोई भी न्यू लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में लान तौर पर शेयर कीजिएगा।